हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज से हम फार्माकोग्नोसी के लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं और आज ये हमारा पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फार्माकोग्नोसी क्या है और फार्माकोग्नोसी में किन किन चीज़ों की स्टडी की जाती है। और ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ये फार्माकोग्नोसी वर्ड पहली बार सुन रहे हैं और जो ये नहीं जानते हैं कि फार्माकोग्नोसी में किन चीज़ों की स्टडी की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये फार्माकोग्नोसी वर्ड का मतलब क्या होता है। फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। सबसे पहला जो ग्रीक वर्ड है वो है फार्माकॉन और जो दूसरा ग्रीक वर्ड है वो है गनोसिस। और इन्हीं दोनों ग्रीक वर्ड मीन्स फार्माकॉन और गनोसिस से मिलके बना फार्माकोग्नोसी। अगर हम इस फार्माकोग्नोसी वर्ड को स्प्लिट करते हैं तो फार्माको से बनेगा फार्माकॉन और गनोसिस से बनता है गनोसिस। तो आइए अब जानते हैं ये जो ग्रीक वर्ड है इनका मतलब क्या होता है। जो फार्माकॉन जो ग्रीक वर्ड है इसका मतलब होता है ड्रग और गनोसिस का मतलब होता है नॉलेज। कहीं कहीं पे किसी बुक में गनोसी की जगह गिग्नोसो लिखा हुआ रहता है जिसका मतलब होता है टू एक्वायर नॉलेज। तो अगर हम इन दोनों ग्रीक वर्ड को मिलाते हैं तो बनता है फार्माकॉन प्लस गनोसिस इक्वल्स टू फार्माकोग्नोसी। और अगर हम इन दोनों ग्रीक वर्ड के मीनिंग को मिलाते हैं मीन्स ड्रग प्लस नॉलेज तो बनता है व्हाट इज़ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी इज द नॉलेज ऑफ ड्रग। और ये भी कह सकते हैं फार्माकोग्नोसी क्या है, फार्माकोग्नोसी इज टू एक्वायर नॉलेज और साइंस ऑफ ड्रग। अब हम आपको बताएंगे कि फार्माकोग्नोसी में कौन से टाइप के ड्रग की स्टडी की जाती है। फार्माकोग्नोसी में नेचुरल ड्रग, क्रूड ड्रग्स या नेचुरल सब्सटेंस के बारे में स्टडी की जाती है। तो हम कह सकते हैं फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में स्टडी की जाती है अबाउट द ड्रग्स और क्रूड ड्रग्स विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। अब हमने यहाँ पे तीन वर्ड्स को अंडरलाइन किया है और नंबरिंग की है। सबसे पहला वर्ड है ड्रग, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। उसके बाद दूसरा वर्ड है क्रूड ड्रग, इसके बारे में भी बताएंगे आपको। और तीसरा वर्ड है नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम ड्रग के बारे में जानते हैं कि ड्रग क्या होता है। ड्रग ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है, या तो वो नेचुरल होता है और या तो वो सिंथेटिक होता है। नेचुरल मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो कि हमको नेचर से प्रोवाइड होता है, और सिंथेटिक मतलब होता है जिसकी लैब में केमिकल रिएक्शन के थ्रू सिंथेसिस की जाती है, उसको हम सिंथेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस या तो वो नेचुरल हो या तो सिंथेटिक हो, और ऐसे सब्सटेंस जो कि यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिवेंशन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़, उसको हम बोलते हैं ड्रग्स। प्रिवेंशन मतलब होता है किसी भी बीमारी को होने से पहले ही रोकना, और डायग्नोसिस मतलब होता है अगर कोई बीमारी हो गई है तो उस बीमारी का पता लगाना कि कौन सी बीमारी हुई है कि नहीं हुई है, अगर हुई है तो किस तरीके की बीमारी हुई है। और ट्रीटमेंट मतलब हुआ है अगर कोई डिसीज़ हुआ है तो उस डिसीज़ का इलाज करना, उसको हम ट्रीटमेंट कहते हैं। तो ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिवेंशन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, उस केमिकल सब्सटेंस को हम ड्रग कहते हैं। तो आइए अब हम सेकेंड वर्ड के बारे में जानते हैं। सेकेंड वर्ड है क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग में जो ये ड्रग वर्ड है इसका मतलब अभी हमने आपको बताया, इसमें जो वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है वो है क्रूड। क्रूड मतलब होता है ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि उसके नेचुरल स्टेट या रॉ फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्रूड बोलते हैं। तो क्रूड ड्रग क्या हुआ, क्रूड ड्रग ऐसा नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस हुआ, या तो वो ऑब्टेन होता है फ्रॉम द प्लांट्स या प्लांट का कोई पार्ट, या प्लांट से कोई डिराइव सब्सटेंस, या तो एनिमल्स का कोई पार्ट या उससे कोई डिराइव सब्सटेंस, या तो मिनरल्स। तो इन तीनों चीज़ों से, प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल से जो डिराइव्ड सब्सटेंस होते हैं या उनका कोई पार्ट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं इन देयर नेचुरल स्टेट या उनके नेचुरल फॉर्म में, जैसे कि वो नेचर में प्रेजेंट होता है एज इट इज़, उसको यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिवेंशन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, उसको हम क्रूड ड्रग कहते हैं। और उसमें कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं की जाती है विदाउट
any processing except drying and size reduction. Means as a part of plant या कोई animals या animals का कोई part या उसका कोई derived substance या तो minerals अगर in naturally occurring substance को use करते हैं as it is उसके natural form में without any further processing जैसे कि वो nature में present होता है as it is उसको use किया जाता है तो उसको हम क्रूड ड्रग कहते हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग और साइज रिडक्शन के अलावा और कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती है. हमने क्रूड ड्रग को समझाने के लिए यहाँ पे और एग्जांपल्स लिए हैं तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है. इस डायग्राम में हमने कुछ पार्ट्स बताए हैं और उस पार्ट्स के साथ कुछ एग्जांपल्स भी बताए हैं. तो बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका होल प्लांट यूज़ किया जाता है एज अ क्रूड ड्रग. जैसे कि यहाँ पे होल प्लांट में हमने एग्जांपल लिया है पुनर्नवा और विंका. पुनर्नवा और विंका ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके होल प्लांट को यूज़ किया जाता है एज अ क्रूड ड्रग. इसके अलावा बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके स्पेसिफिक पार्ट को यूज़ किया जाता है एज अ क्रूड ड्रग. जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे फ्लावर. तो फ्लावर में एग्जांपल है क्लोव. क्लोव का फ्लावर बड यूज किया जाता है एज अ क्रूड ड्रग क्योंकि इन स्पेसिफिक पार्ट्स में स्पेसिफिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं और ये केमिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं थेरेप्यूटिक अफेक्ट के लिए मीन्स मेडिसिनल अफेक्ट के लिए बॉडी में. इसी कारण से उस स्पेसिफिक पार्ट को यूज किया जाता है. और हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है फ्रूट. फ्रूट में हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कोरिएंडर. कोरिएंडर के अलावा डिल क्यूमिन ये सब भी के प्लांट्स के फ्रूट को यूज़ किया जाता है एज अ क्रूड ड्रग्स. उसके बाद हमने थर्ड एग्जांपल लिया है लीफ. बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके लीफ पार्ट को यूज़ किया जाता है एज अ क्रूड ड्रग क्योंकि उनके लीफ में ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है एक्टिव केमिकल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी शो करता है. इसी कारण से उसके लीफ को यूज़ किया जाता है. जैसे हमने एग्जांपल लिया है नीम तुलसी एंड सेना. सेना के लीफ को यूज़ करते हैं एज अ लैक्सेटिव मीन्स उसको कॉन्स्टिपेशन में यूज़ किया जाता है जिसको हिंदी में कफ्स कहा जाता है. उसके बाद हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है बार्क का. बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके बार्क को यूज़ किया जाता है एज अ क्रूड ड्रग. तो बार्क में हमने एग्जांपल लिया है सिनामन. सिनामन मतलब दालचीनी. दालचीनी जो होता है वो बार्क होता है. और सिंकोना. सिंकोना का हम बार्क यूज़ करते हैं एज अ क्रूड ड्रग क्योंकि सिंकोना के बार्क में ही एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उसके थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए. जैसे कि सिंकोना में प्रेजेंट होता है एक्टिव केमिकल क्यूनिन जो कि एंटी मलेरियल प्रॉपर्टीज होती है मींस वो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है. इसलिए सिंकोना के बार को यूज किया जाता है एज अ क्रूड ड्रग. इसके बाद हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है एरियल पार्ट का. एरियल पार्ट का एग्जांपल है इफिड्रा. इफिड्रा का जो एरियल पार्ट होता है उसको यूज किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा. एंटी अस्थमेटिक प्रॉपर्टीज होती है इसमें. इसके बाद नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया है अंडरग्राउंड पार्ट दैट इज रूट. रूट बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जिसके रूट को यूज़ करते हैं एज अ क्रूड ड्रग. जैसे कि हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे सर्पगंधा. सर्पगंधा के रूट पार्ट को यूज़ किया जाता है एज अ क्रूड ड्रग क्योंकि सर्पगंधा के रूट में जो थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज होती है वो है एंटी हाइपरटेंसिव मीन्स हाई ब्लड प्रेशर की जिनको प्रॉब्लम होती है उसके लिए सर्पगंधा के रूट को यूज़ किया जाता है एज अ क्रूड ड्रग. इसके बाद नेक्स्ट हमने लिया है राइजोम. राइजोम्स के एग्जांपल है जैसे हमने यहाँ पे लिखा है जिंजर और टर्मरी. जिंजर को यूज़ किया जाता है एज अ क्रूड ड्रग और इसको कफ रेमेडी में यूज़ किया जाता है. और टर्मरी की बहुत अच्छी हीलिंग प्रॉपर्टी होती है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी हो जाती है इसी कारण से टर्मरी के राइजोम्स को यूज़ किया जाता है एज अ क्रूड ड्रग. तो ये हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए जो जिसके होल प्लांट को यूज़ किया जाता है एज अ क्रूड ड्रग या कोई इसके स्पेसिफिक पार्ट को यूज़ किया जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन दैट पर्टिकुलर पार्ट तो उसके स्पेसिफिक पार्ट को यूज़ करते हैं एज अ क्रूड ड्रग. इसके अलावा बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके फ्रेश पार्ट को यूज़ किया जाता है तो वो उसका फ्रेश पार्ट भी क्रूड ड्रग कहलाता है या तो उस स्पेसिफिक पार्ट को ड्राई करने के बाद यूज़ किया जाता है तो वो ड्राइड पार्ट भी क्रूड ड्रग कहलाता है. जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया मान लो कि ये प्लांट सर्पगंधा का प्लांट है तो ये सर्पगंधा का प्लांट हमने एग्जांपल में बताया सर्पगंधा का रूट को यूज़ करते हैं एज अ क्रूड ड्रग. तो हम
इसके रूट को कलेक्ट करते हैं। इस सर्पगंधा के प्लांट को रूट को कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद उसको वॉश एंड ड्राई किया जाता है और ड्राई करने के बाद उसको छोटे स्लाइसेस में कट कर दिया जाता है और इसके बाद जो ये ड्राइड रूट्स ऑफ सर्पगंधा है वो कहलाएगा क्रूड ड्रग। इसके बाद हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है। दूसरा एग्जाम्पल है सेना का। सेना का हम जैसे आप एग्जांपल में बताएं लीफ यूज़ किया जाता है एज अ क्रूड ड्रग, तो हम इसके लीफ पार्ट को कलेक्ट करते हैं। सेना के लीव्स को कलेक्ट करने के बाद उसको ड्राई किया जाता है और ये जो ड्राइड लीव्स हैं वो कहलाता है क्रूड ड्रग। तो ये हो गए क्रूड ड्रग्स एंड क्रूड ड्रग्स विथ एग्जाम्पल्स। अब हम आपको नेक्स्ट थर्ड जो वर्ड है नेचुरल सोर्स उसके बारे में बताएंगे। नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग मतलब होता है ड्रग हमको नेचर से कहाँ कहाँ से प्रोवाइड होता है, कहाँ कहाँ से हमको नेचर से ये ड्रग ऑप्टेन होता है, उसको हम नेचुरल सोर्सेज बोलते हैं। तो हमको ड्रग नेचर से फ्रॉम द प्लांट, फ्रॉम द एनिमल, फ्रॉम द मिनरल एंड मरीन सोर्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑप्टेन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में। प्लांट सोर्स ऑफ ड्रग मतलब जो ड्रग हमको प्लांट से ऑप्टेन होता है उसको हम प्लांट सोर्स ऑफ ड्रग कहते हैं। जैसे एग्जांपल है जिंजर, नीम, टर्मरिक, सेना एंड ओपियम। जैसे हमने आपको बताया प्लांट्स या तो होल प्लांट या कोई कोई ऐसे प्लांट्स के स्पेसिफिक पार्ट को यूज़ करते हैं क्रूड ड्रग। इसके अलावा प्लांट्स के कोई स्पेसिफिक डिराइव सब्सटेंस या प्लांट्स के कोई सिक्रीशंस को भी यूज़ किया जाता है एज अ क्रूड ड्रग। जैसे कि ओपियम, ओपियम जो है वो ड्राइड लेटेक्स होता है, ड्राइड लेटेक्स और पेपाई कैप्सूल्स। वैसे ही ड्राइड जूस, ड्राइड जूस में एलोवेरा का एलोए को बोलते हैं ड्राइड जूस जो कि ऑप्टेन होता है फ्रॉम एलो स्पीसीज। वैसे ही बहुत से एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ वुड ऑफ अकेशिया कैटैच्यू जिसको हम ब्लैक कैटैच्यू बोलते हैं। तो प्लांट से डिराइव सब्सटेंस या उसके कोई सिक्रीशंस को भी हम क्रूड ड्रग कहते हैं। इसके अलावा बाद हम नेक्स्ट सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में बात करेंगे एनिमल सोर्स। एनिमल्स या एनिमल्स के कोई पार्ट या उससे कोई डिराइव सब्सटेंस जो है वो क्रूड ड्रग कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया बीज वैक्स और वूल फैट। बीज वैक्स जो होता है वो हनीकॉम्ब में जो प्रेजेंट वैक्स होता है उसी को आइसोलेट किया जाता है और उसी को ही बीज वैक्स कहा जाता है। वैसे वूल फैट, वूल फैट जो होता है वो शीप में जो तो वुल होता है उसमें जो फैटी मटेरियल होता है उसको ही आइसोलेट किया जाता है और उसको आइसोलेट करने के बाद वो कहलाता है वुल फैट। तो ये बीज वैक्स और वुल फैट यूज़ किया जाता है बहुत सारे ऐसे फॉर्मुलेशंस बनाने के लिए, जैसे कॉस्मेटिक्स में लोशन, क्रीम्स और ऑइंटमेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और एनिमल से डिराइव सब्सटेंस जैसे कि हार्मोन्स और एंजाइम्स को भी यूज़ किया जाता है ऐसा ड्रग, जिसके बारे में हम फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ते हैं। इसके बाद हम थर्ड सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में बात करेंगे। थर्ड सोर्स ऑफ ड्रग है मिनरल सोर्स। मिनरल्स ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिसका फॉर्मेशन होता है अर्थ में और जो हमको ऑप्टेन होता है फ्रॉम द रॉक्स एंड द माउंटेन। ऐसे सब्सटेंस को हम मिनरल्स बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कैलोमाइन एंड बेंटोनाइट जो कि क्ले होता है और ये भी यूज़ किया जाता है ऐसा ड्रग। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मेटेलिक कंपाउंड्स और उनके सॉल्ट्स भी ऐसे मिनरल होते हैं जैसे कि फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को यूज़ किया जाता है इन द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन जिसको हम एनीमिक कंडीशन बोलते हैं। वैसे दूसरा मिनरल्स के सॉल्ट का एग्जांपल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जिसको यूज़ किया जाता है एस एन एंटी एसिड। और तीसरा एग्जांपल जैसे है मैग्नीशियम सल्फेट जिसको यूज़ किया जाता है एज अ पर्गेटिव। तो ये हो गए मिनरल्स के एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं फोर्थ सोर्स ऑफ ड्रग। और फोर्थ सोर्स ऑफ ड्रग है मरीन सोर्स। मरीन सोर्स ऑफ ड्रग मतलब होता है ड्रग जो हमको मरीन से ऑप्टेन होता है, मीन्स सी और ओशन से ऑप्टेन होने वाले ड्रग को हम मरीन ड्रग्स कहते हैं। तो इसके हमने यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं फिश लिवर ऑयल, कोरल एंड स्पॉन्जेस। कोरल और स्पॉन्जेस जो प्रेजेंट होते हैं सी और ओशन से, इससे ऑप्टेन जो ड्रग होता है उसको हम मरीन ड्रग्स कहते हैं। इसके अलावा मरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिससे हमको ड्रग ऑप्टेन होता है, जैसे सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन जो ड्रग है वो ऑप्टेन होता है फ्रॉम द मरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मरीन फंगस से ऑप्टेन होता है और ये सिफेलोस्पोरिन एक एंटीबायोटिक होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट सोर्स ऑफ ड्रग है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको बहुत से लाइफ सेविंग ड्रग्स ऑप्टेन होते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स। हमने यहाँ पे एंटीबायोटिक्स में एग्जांपल लिया है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ऑप्टेन होता है फ्रॉम द फंगस पेनिसिलिन नोटेटम। वैसे ही बहुत से अदर एंटीबायोटिक्स होते हैं जो हमको ऑप्टेन होते हैं फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि क्लोरमफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, जेंटामाइसिन। ये सब हमको ऑप्टेन होते हैं फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये हमने पढ़ लिया क्या क्या आते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग के अंदर, और जो हम फार्माकोग्नोसी में जिसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, और जो मेजर सोर्स होते हैं ड्रग का वो है प्लांट सोर्स ऑफ ड्रग। इसके अलावा हम एनिमल्स और मिनरल सोर्स के बारे में भी डिटेल स्टडी करते हैं इन द फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट। तो ये हमने पढ़ लिया कि ड्रग क्या होता है, ड्रग के बारे में जाने, और उसके बाद क्रूड ड्रग्स क्या होता है ये हमने जान लिया। उसके बाद थर्ड हमने बताया यहाँ पे कि नेचुरल सोर्सेस क्या होते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों की हम स्टडी करते हैं फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में। अब हम आपको बताएंगे ये जो फार्माकोग्नोसी वर्ड है, ये फार्माकोग्नोसी वर्ड को सबसे पहले यूज़ किसने किया, मीन्स इस फार्माकोग्नोसी वर्ड को किसने क्रिएट किया। तो फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है उसको फर्स्ट यूज़ किया गया इन एज अ फार्माकोग्नोसिस बाय अ ऑस्ट्रियन फिजिशियन जिनका नाम था जे ए स्मिथ ने इसको सबसे पहले यूज़ किया इन हिज वर्क लेहबक डे मटेरिया मेडिका में। इसको यूज़ किया इन द ईयर 1811। इन्हें इसमें स्टडी की अबाउट द मेडिसिनल प्लांट और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी की। इसके बाद नेक्स्ट सी ए सिडलर जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट थे, उस मेडिकल स्टूडेंट ने अपने डेजर्टेशन वर्क एनालैक्टिका फार्माकोग्नोस्टिका में इस वर्ड को यूज़ किया इन द ईयर 1815। कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहता है कि सी ए सिडलर ने फर्स्ट जो है फार्माकोग्नोसी वर्ड को क्रिएट किया, बट रिसेंट हिस्टोरिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग जो फार्माकोग्नोसी वर्ड को सबसे पहले जो इसने यूज़ किया उसका नाम है जे ए स्मिथ। तो ये हमने आज इस वीडियो में जाना कि फार्माकोग्नोसी क्या होता है और फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में किन किन चीज़ों की स्टडी की जाती है। फार्माकोग्नोसी में अगर स्टडी की जाती है अबाउट द ड्रग्स, क्रूड ड्रग्स विच इज़ ऑप्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज मीन्स फ्रॉम द प्लांट्स, फ्रॉम द एनिमल्स, फ्रॉम द मिनरल एंड मराइन सोर्सेज, एंड दीज ड्रग्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिसीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो में कुछ कमी या कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए ताकि उसको हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर इम्प्रूव करें। थैंक यू।